नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी के जाने के लिए, तो दोस्तों आप लोग का जो दोस्त ढाई साल का लंबा इंतजार था दोस्तों लगभग खत्म होने वाला है। बात करेंगे इंडियन आर्मी भर्ती रैली को लेकर। दोस्तों आप लोग का कैलेंडर जारी होने वाला है और सबसे पहली भर्ती कब होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों पूरी पेपर कटिंग को पढ़ते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आपका भर्ती कब जारी होगा और उम्र सीमा में कितनी छूट मिलेगी। 2.25 साल बाद सेना भर्ती, 5 माह का कैलेंडर जारी। सेना भर्ती की रैली की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत बड़ी खबर है। कोरोना के कारण करीब 2.25 साल से बंद पड़ी सेना भर्ती रैली अगस्त से शुरू हो सकती है। सेना मुख्यालय ने एक स्पेशल भर्ती कैलेंडर तैयार करने का आदेश दिया है। कोरोना से पहले सेना 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 2 कैलेंडर भर्ती रैली आयोजित करती है। कोरोना के कारण मार्च 2020 से सेना भर्ती रैली बंद चल रही है। महिला मिलिट्री पुलिस में सैनिक जीडी के दूसरे बैच की लिखित परीक्षा स्थगित हो गई है, जबकि तीसरे बैच के ऑनलाइन आवेदन के बाद आगे की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सेना मुख्यालय की तरफ से यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया है और जो आपकी भर्ती है अगस्त से प्रारंभ हो सकती है और सबसे पहले 15 दिन पहले आप लोगों का यहां पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और लगभग 45 दिन पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और दोस्तों यहां पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है ये है कि उम्र सीमा में आप लोगों की 2 साल की छूट मिल सकती है, तो अभी से आप लोग रनिंग चालू कर दीजिए। और जो सबसे पहले भर्ती आपकी यूपी में जो होगी वो बनारस रैली भर्ती होगी, तो बनारस के सभी अभ्यर्थी अपना ध्यान दें, वो अपनी रनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी जिस भी ARO की सबसे पहले चैनल के माध्यम से सूचित की जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।